नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश भर के अहम किस्सों से और साथ ही साझा करते हैं कुछ प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। आस्था, श्रद्धा और सात्विकता का महासंगम छठ पर्व वैसे तो विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मनाते हैं, परंतु राजस्थान में भी जो वहाँ के लोग रहते हैं वो भी ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जयपुर में छठ पर्व का विशेष आयोजन गलता तीर्थ पर आयोजित किया गया। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये त्यौहार मनाया गया। जयपुर में हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वह किसी धर्म या समाज का ही क्यों न हो। दीपावली के बाद देश भर में मनाए जाने वाले छठ पूजा का महापर्व भी इसी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस पर्व को श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इसका प्रमुख आयोजन गलता तीर्थ पर होता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। गलता तीर्थ के अलावा जयपुर में छठ महापर्व के लिए कई जगहों पर कृत्रिम जलाशय तैयार किए गए हैं। मंगलवार को नहाए खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसके लिए राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में घाट बनाए गए। हम लोग को बहुत अच्छा माना जाता है ये, जो मतलब मेरी सास भी करता है। हम लोग तो कई बार गांव चल जाते हैं, कई बार यहाँ पर ही मना लेती हूँ, जयपुर में ही मना लेती हूँ। 3 दिन के व्रत होता है हम लोग के, बहुत ये श्रद्धा से किया जाता है। बहुत उल्लास और बहुत उत्सव से मनाया जाता है। हम लोग जो है कि 3 दिन का ये होता है व्रत, जो भी करते हैं व्रत ये 3 दिन का उपवास रखते हैं। पहले लौकी भात होते हैं, उसके बाद और भी जो भी है 3 दिन का व्रत करना होता है, फिर पहला अर्घ, दूसरा अर्घ। जयपुर में छठ पूजा के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु गलता तीर्थ पर आते हैं, क्योंकि यह जयपुर का सबसे पुराना और प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पहाड़ी के बीच बने गोमुख से जल बहता है, जो विशाल कुंड में एकत्रित होता है, और इसी कुंड में महिलाएं छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा जो सामाजिक समरसता, साधना और सूर्य उपासना का महापर्व है, जिसमें परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और छठ माता की पूजा करती हैं। ये फेस्टिवल हम लोग साल भर में आती है, तो हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। तो हमारे फेस्टिवल में ये होता है कि हमारे 3 दिन का जो व्रत होता है, पहला होता है लौकी भात होता है, और दूसरा दिन होता है खरना, जो सारा दिन उपवास रह करके शाम को हम लोग खरना करते हैं, और फिर तीसरा दिन हमारे होते हैं छठ पूजा, जो हम लोग नदी में, कुंड में, सब जगह आ करके हम लोग अपने डाला ले करके आ करके सूप ले के आते हैं, और फिर हम लोग उसमें अर्घ देते हैं, गोल घूम के अर्घ देते हैं, तो उसमें फल है सब कुछ लेके हम लोग चढ़ाते हैं। अब फिर शाम को भी अर्घ वैसे दिया जाता है, और सुबह में भी हम लोग सूर्य अस्त जब होता है टाइम होता है उसमें भी हम लोग अर्घ ऐसे गोल घूम के और सूप में दे करके ही घूम कर अर्घ लेते हैं। छठ पूजा के लिए हर साल गलता तीर्थ में विशेष तैयारी की जाती है, जिसमें सुरक्षा से लेकर दुर्घटनाओं की रोकथाम के इंतजाम किए जाते हैं। जयपुर में बिहार के प्रवासियों की बड़ी आबादी निवास करती है, जो हर साल गलता तीर्थ में छठ महापर्व मनाती है। अजब अनोखा, बड़ा निराला, मरुधर का मतवाला, रेगिस्तानी जहाज कहलाने वाला ऊंट राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। यूं तो इस मेले में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, परंतु ऊंटों की घटती संख्या देखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा मेले की औपचारिक शुरुआत से पहले ही इन पशुओं के लिए विशेष चौकियां लगाई गई हैं, ताकि इनका उपचार हो सके। तो आइए जानते हैं इस बार के पुष्कर मेले में क्या कुछ है खास।
राजस्थान की कला, संस्कृति, रंग बिरंगी छठा को बिखेरते अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला शुरू हो गया है। पुष्कर मेला ग्राउंड की दीवारों पर राजस्थानी इतिहास, लोक कला और संस्कृति को दर्शाती चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। इस बार पुष्कर मेले में ऊंटों, घोड़ों और अन्य पशुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पशुपालन विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि इस बार नवाचार करते हुए ऊंट रैली का आयोजन किया जाएगा। ऊंटों की घटती हुई संख्या को देखते हुए ये आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा देशी विदेशी पर्यटकों के बीच मुकाबले, लंबी मूंछ प्रतियोगिता, ऊंट दौड़, रस्सा कसी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे ही 3 मिनट में सबसे ज्यादा दूध देने वाले पशु के मालिक को सम्मानित किया जाएगा। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं मेला ग्राउंड में और गिर एवं संकर पशु प्रदर्शनी स्थल में आयोजित की जाएगी और जो विजेता पशुपालक हैं और जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है उनमें जो भी विजेता है उनको 15 तारीख को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा मेला ग्राउंड में, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की बालिकाएँ हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुति देंगी और साथ ही पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी 15 तारीख को किया जाएगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा मेला ग्राउंड में रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर गायक और लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना, महाआरती और अन्य धार्मिक आयोजन भी होंगे। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत के द्वारा जयपुर के हवा महल की कलाकृति महाकाल, ऊंट व बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव की कलाकृति इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगी। पुष्कर के रेतीले धोरों में बालू रेत की बहुत सारी कलाकृतियां तैयार की है जो कि पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इसमें मुख्य रूप से मैंने पहली बार हवा महल की बहुत बड़ी बालू रेत कलाकृति बनाई है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने जो देवमाली विलेज है हमारा, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला अभी, उसकी रेत की कलाकृति बनाई है और भी राजस्थान के जो इतिहास और कल्चर से संबंधित जो है वो सारे सब्जेक्ट मैंने मेरी कलाकृतियों में दिए हैं। तो कुल मिला के हमारी जो रेत कलाकृति है वो इस मेले का मेन एक इवेंट रहता है। हम यहाँ पे बहुत समय से पुष्कर मेले में हॉर्स फेयर के अंदर अपने जानवरों का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ सेल परचेज होती है जानवरों की। मैम, इस मेले के अंदर लगभग ऑल ओवर इंडिया से बायर और सब आते हैं, घोड़े खरीदने वाले, बेचने वाले, हर टाइप का आदमी आता है। मतलब आप ये मान के चलो जो इस ट्रेड के लोग हैं, हॉर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 100% लोगों को रोटी रोजगार से हर चीज़ मुहैया होती है यहाँ पर। आप देखो साउथ से भी आते हैं तो साउथ के बाद गुजरात से भी आ जाते हैं, राजस्थान के तो आते ही आते हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, इवन जेके तक से कई बार आते हैं। We love India. People are so kind, so helpful, and the food a little bit spicy but really good. We also had a night party with sari. We all wore sari. It was amazing, and they put Hina on our hand. See, Hina, we are all did Hina in our hands. And what we love about Rajasthan and about India is the fact that people are really welcoming. Like you can see the big heart of every person we meet. They have big heart. ये पहली बार है जब यहाँ पर मेले का आयोजन नगर पालिका नहीं बल्कि नगर परिषद करवा रही है। पशुओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा के इंतजाम मेले प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे, साथ ही पशु विभाग की ओर से 12 चौकियाँ बनाई गई हैं, जिसमें बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए सस्ती दरों पर चारे की व्यवस्था भी की गई है। तक हमारे जो जितने 12 एंट्री पॉइंट है पुष्कर के, सभी 12 जगह पशुपालन विभाग द्वारा चौकियाँ स्थापित कर दी गई है और साथ ही जो पुष्कर नया पशु मेला मैदान है उसमें पशु चिकित्सकों की सुविधाओं, पशु चिकित्सकों के लिए
वहाँ सुविधा प्रदान करने के लिए हमने दो दड़ा चिकित्सालय भी चालू कर दिए हैं, जिससे कि बीमार पशुओं की वहीं की वहीं चिकित्सा हो सके। पशुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सुविधाएँ सारी, बिजली, पानी और सस्ती दर पर चारा, इसकी सुविधा हमने प्रोवाइड कर दी है पशुपालकों को। आज जिस खूबसूरत जयपुर शहर को देखने लाखों देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, उस शहर की नींव करीबन 250 साल से भी पहले रखी गई थी। जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय हैं और पिछले रविवार को उनकी 337वीं जयंती मनाई गई। तो आइए चलते हैं उन इतिहास के पन्नों में और जानते हैं जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में। जिस जयपुर को हम देखते हैं, इसकी वास्तुकला, बनावट, छोटी छोटी चौकड़ियों में 300 साल बाद भी किसी चीज की कमी नहीं नजर आती। ऐसी सोच रखने वाले जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय की 337वीं जयंती 3 नवंबर को मनाई गई। 3 नवंबर 1688 में जय सिंह का जन्म हुआ और इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की। सवाई जय सिंह द्वितीय का काल 1700 से 1744 के बीच माना जाता है। सवाई जय सिंह आमेर के अंतिम राजा कहे जा सकते हैं, इस मायने में कि उन्होंने राजधानी को आमेर से जयपुर शिफ्ट किया था, उन्होंने जयपुर बसाया। जयपुर शहर नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का ये एक पहला ऐसा टाउन और नगर था जिसे हम नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी कह सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये वास्तु पर आधारित है और वास्तु पर आधारित होने के नाते इसमें एस्ट्रोलॉजी पर बहुत अधिक ध्यान देकर हर तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए इस नगर को बसाया गया। सवाई जय सिंह द्वितीय की जन्म जयंती के अवसर पर हेरिटेज निगम की ओर से जयपुर के स्टैचू सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सवाई जय सिंह की प्रतिमा पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्लीन सिटी और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में आने को लेकर भी अपना लक्ष्य बताया। इस तरह अभी जयपुर जो है, हमारा जो हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है, हमारी संस्कृति है, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी में नागरिकों को अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। प्रशासन है, सरकार है, ये सब तो कर ही रहे हैं अपना काम, लेकिन जो नागरिकों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी एक, मैं मानती हूँ, जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी उनको भी निभानी चाहिए। हम सब मिलकर काम करें, जयपुर को सुंदर बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें। सवाई जय सिंह ने जयपुर को एक प्लांट सिटी के रूप में बनाया था। पूरे देश से व्यापारियों, कारीगरों को बुलाकर यहाँ बसाया गया। जय सिंह एक एस्ट्रोनॉमर, प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे सभी को प्रेरणा मिलती है। परकोटा क्षेत्र में बनी नालियां, चौड़ी सड़कें उनकी दूरदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण है। सवाई जय सिंह को सच्ची भावनाओं के साथ श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने इतनी दूर की सोच रखते हुए सुंदर जयपुर बसाया था और जैसा उन्होंने सपना देखा था उसी के अनुरूप जयपुर को आगे बढ़ाने में हर नागरिक जुट जाए। ओल्ड सिटी आज अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर ली गई है, जैसा आप सब जानते हैं। ये सवाई जय सिंह द्वितीय की ही हम देन मानते हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय ने एस्ट्रोनॉमिकल एक इंस्ट्रूमेंट के नाम से बहुत ही शानदार एक यंत्रशाला बनाई थी, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। और जंतर मंतर भी आप जानते हैं कि उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। जंतर मंतर की खास बात यह है कि जयपुर बसने से पहले का है, 1718 में ये पहले स्थापित हो चुका था। इसके अतिरिक्त आसपास के जो 5 गांव हैं उनको चुना गया और प्लेन्स में ये पहली बार जयपुर नगर स्थापित किया गया। इसमें ओरिजिनली 407 मोहल्ले हुआ करते थे और इन मोहल्लों की खासियत ये है कि ये जितने भी मोहल्ले स्थापित हुए ये व्यवसाय के आधार पर थे।
यानी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अलग अलग ये मोहल्ले स्थापित किए गए और वो मोहल्ले आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं। एक पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम कहती रहती हो तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है, तो आखिर आज बता ही दो कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। तो बेटी कहती है, मुझे पढ़ाई की मनाही है इसलिए मुझे पढ़ना है, मुझे खेलने की मनाही है इसलिए मुझे खेलना है, मुझे वो सब कुछ तो करना है, मुझे सब कुछ तो बदलना है। तो ऐसी ही बदलाव की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं बीकानेर के एक छोटे से गांव की, जहां की बेटियों के जज्बे ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं उन बेटियों की कहानी। रेतीले धोरों में फुटबॉल खेलती लड़कियां एक अलग ही जोश और जज्बे को दर्शाती हुई नजर आती हैं। बीकानेर से 75 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की इन लड़कियों ने हाल ही में राजस्थान से खेलते हुए बेलगांव में कर्नाटक को 3-1 से हराकर जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 टीयर 2 पर कब्जा किया। इन्होंने 60 साल बाद राष्ट्रीय खिताब जीता, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। पूर्व राज्य खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता मगन सिंह राजवी के बेटे विक्रम सिंह राजवी यहां जूनियर लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बीकानेर के ढिंगसरी गांव में जहां पर्याप्त बिजली और पानी की आपूर्ति अभी भी दुर्लभ है और बाल विवाह व्यापक है, राजवी ने अपने गांव में बालिकाओं को फुटबॉल से परिचित कराकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैं फुटबॉल परिवार से ही हूँ, पिताजी श्री मगन सिंह जी राजवी अर्जुन अवार्डेड फुटबॉल प्लेयर, उनके नाम से ये मैंने चालू किया है। मगन सिंह राजवी स्पोर्ट्स फाउंडेशन, उसी के अंडर में फुटबॉल एकेडमी और फुटबॉल क्लब काम कर रहा है। मैं खुद फुटबॉल प्लेयर हूँ, जैसे कि फगवाड़ा से खेला, बाईचुंग भूटिया, आई एम विजन, काटल, चैपमैन, जोपाल, अंचरी, सब मेरे साथी फुटबॉल प्लेयर्स हैं। डूरन रोवर, सीजर्स, ये सभी जीते हैं। डीसीएम का मैं टॉप स्कोरर भी रहा हूँ। रेगुलर जो अभ्यास है उसके नतीजे हैं कि 2023 के अंदर एक लड़की मेरी अंडर 19 में संजू कंवर इंडिया कैंप में पहुंचा, गोवा में लगा था वो, और उसी के नेक्स्ट 2023 में ही मुन्नी बाम्बू जो हमारा गोलकीपर है अंडर 16 सेफ गेम्स, अंडर 14 की बच्ची है, अंडर 16 सेफ गेम्स के अंदर नेपाल काठमांडू में चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल है उस बच्ची का। ये गांव के अंदर बच्चे मतलब खेल में आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए मेरी लड़का यहाँ कॉलेज पोस्टिंग थी और गांव आना जाना था, तो ये प्रैक्टिस चालू की और फिर हमने आगे सपोर्ट दिया, तो ग्राउंड बनाना और करना इसके सब आगे। बच्चे भी अब आगे जैसे इस बार 2 इंडिया के लिए, अगली बार और ज़्यादा खेलेगी तो हिंदुस्तान में बच्चे राजस्थान का नाम रोशन करेगी, बीकानेर का करेगी, और गाँव के बच्चे ऐसे भी मतलब खेलने में और स्टेमिना में मतलब अच्छी होती है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 22 सदस्यीय टीम में ढिंगसरी गांव में स्थापित मगन सिंह राजवी स्पोर्ट्स फाउंडेशन की 12 युवा प्रशिक्षित खिलाड़ी बालिकाएं थी। इन बालिकाओं को इस साल कोटा में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान चुना गया था। उनके गांव से राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्यादातर लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। ये बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां उनके माता पिता पशुपालन से जो कुछ भी जुटा पाते हैं उससे घर चलाते हैं। अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण अपनी बेटियों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। 12 साल की उम्र तक उनमें से अधिकांश की शादी हो जाती है। गांव में अकादमी खोलने के पीछे एक कारण यह बदलाव लाना था। जब उन्होंने माता पिता को अपनी लड़कियों को खेलने के लिए भेजने के लिए मनाने की कोशिश की तो उन्हें काफी दिक्कतें आई। हम कर्नाटक बेलगांव खेल के आए थे, पहले हमको नहीं पता था कि राजस्थान 60 साल के बाद हम ट्रॉफी ला के देंगे। हमारे साथ हमारे कोच विक्रम सिंह राजवी गए थे, हम कोच साहब ने हमें खिलाया था, मतलब जो वैसे बोलते थे ऐसे खेलना है,
हमको नहीं पता था, हम तो यहाँ मिट्टी में खेलते हैं, हमको उस ग्राउंड में भी नहीं खेलना आता था, मतलब बॉल यहाँ का लेवल कैसा चलता है, वहाँ पे बॉल फास्ट चलती है एकदम, तो कंट्रोलिंग में वैसे दिक्कत आती है। तो वहाँ पे हमें सर ने प्रैक्टिस करवाई और वहाँ पे मैच खेला था हमने, पहला त्रिपुरा से मैच खेला था, 8-0 स्कोर रहा था, फिर सेकंड पांडुचेरी से खेला था, 3-0 का स्कोर रहा था, फिर थर्ड मैच खेला था महाराष्ट्र से, 1-0 से जीता था, फिर हमारी वो लीग क्रॉस हो गई थी, उनके बाद सेमीफाइनल फाइनल था, सेमीफाइनल हम सिक्किम से खेला था और प्लेंटी में जीत गए थे, और फाइनल मैच कर्नाटक होम ग्राउंड की टीम थी उसमें 3-1 का स्कोर था, 3 से जीत गए थे हम। जो है कोसा बढ़ाया और यही खेल रचायो जी, और गांव रा भी लोग के हम लड़कियां ने कम ही भेजा करता जी, तो फिर घर में जा रही लड़कियां ने लाउन लग गया, तो आप पढ़ाई तो करे बरोबर जी, और खेले ही है जी, तो आगे खेला वहां इन्हें अभी शादी वादी का तो नहीं सोचे, नहीं अभी पढ़ाने का और खेलने का सोचे, नहीं अभी खेलने पढ़ाने रही सोच। रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए ग्रामीण अपनी बेटियों को इस फुटबॉल अकादमी में भेज रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर आपको बहुत छोटी उम्र की लड़कियां भी मिलती हैं जिनकी आंखों में चमक दिखाई देती है। यह चमक है उस सपने की जो इन्हें घर से उस खेल के मैदान तक ले आया है। यह बालिकाएं कहती हैं कि पहले केवल गांव से लड़के ही खेलते थे, लेकिन खेलना प्रारंभ होने के बाद इस गांव की लगभग हर बेटी इस खेल मैदान में खेलने आती है, और माता पिता का भी नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद इतना विश्वास जमा है कि वह अपनी बेटियों का भविष्य अब खेलों में देखने लगे हैं। हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में भी इस अकादमी की मुन्नी भांबू ने नेपाल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें एशियन नेशन की टीम में आते हैं, इसमें वहाँ पे 4 टीम आई थी, 4 देशों की टीम आई थी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, जिसमें से इंडिया में हम लोगों की 22 लड़कियाँ गई थी हम पूरी इंडिया टीम में, तो राजस्थान से मैं एक थी और ऐसे अलग अलग स्टेट से बहुत सारी लड़की आई थी। पहले तो मैं हमने नहीं सोचा था कि हम फुटबॉल खेलेंगे, फिर एक बार स्कूल से ही ऐसे बॉयज आते थे खेलने, तो फिर हमने सोचा कि एक बार हम भी जाके ट्राई करें फुटबॉल खेलना, तो फिर बहुत सारे मतलब थोड़ी बहुत लड़कियाँ आती थी पहले, और फिर हमने आना स्टार्ट किया ग्राउंड में धीरे धीरे, फिर हमको एक बार इंटरेस्ट नहीं था, फिर हमें भी इंटरेस्ट आने लगा फुटबॉल में, इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया। एक ऐसा गांव जहाँ पर बच्चियाँ अब तक ना केवल पढ़ने को भी तरस रही थी, लेकिन अब उनकी जो नज़र है विक्रम सिंह जी राजवी के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से, वो एक अन्य दूसरी उड़ान भरने को उत्सुक हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, जो हर बेटी को, देश की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक गांव की बेटी एक सशक्त भूमिका निभाएगी और न केवल पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में, खेलों की दुनिया में भी अपना विशेष नाम करेंगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज के लिए। जरूरी नहीं जिस पथ पर सर्व अधिक पगचिन्ह दिखें वही मार्ग सबसे सही और सुरक्षित माना जाए। निरंतर बदलती दुनिया में नए अवसर आने लगे हैं और युवाओं को खासकर उन नए अवसरों की तलाश रहती है। तो हमने बात करी एक साइंस कम्युनिकेटर से, जिन्होंने हमें बताया अंतरिक्ष के क्षेत्र में उभरते रोजगार के अवसरों के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हमारा इसरो ने एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम सेंटर, और उस वो हमारे जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, मैंड मिशन है, उसके लिए वो सेंटर स्थापित किया गया, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है कि कैसे हम एक इंसान को अंतरिक्ष की कक्षा, एक कक्षा में स्थापित कर सकते हैं और उसको सेफली हम अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं और कुछ दिन वहां पर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको वापस धरती पर ला सकते हैं। इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें फूड साइंस भी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें फिजिक्स भी हो रही है, इसमें केमिस्ट्री भी हो रही है, इसमें हर तरह की इंजीनियरिंग और साइंस इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि जब कोई अंतरिक्ष में जाएगा तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, तो वहाँ पर जो एक इंसान है उसकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि वो उसकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप विज्ञान में अगर आप जा रहे हैं तो आप स्पेस साइंस में अपना करियर बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे आप वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों
तो आपको आगे फ्यूचर में जाके इसरो में ऐसी वैकेंसीज निकलेंगी जहाँ पर फार्मिंग से मतलब स्पेस बेस्ड फार्मिंग से रिलेटेड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अभी इन्वॉल्व हैं स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन प्रोग्राम में, और इंजीनियर्स अभी है ही ज़रूरत, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो स्पेस क्राफ्ट जहाँ पे लॉन्च होता है उसको बनाने के लिए, एरोस्पेस इंजीनियर स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए, चाहे वो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड विशेषज्ञ हैं उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि जो उसमें फ्यूल लगेगा उसका भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेस में अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अंतरिक्ष में खुद अपने लिए मेडिसिन बना पाए तो उसके लिए भी केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट की ज़रूरत है, बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने बताया उनकी भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आप अपने फील्ड में साइंस में अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप आसानी से स्पेस साइंस में करियर बना सकते हैं, और स्कोप धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो ही रहा है क्योंकि इसरो वन ऑफ द लीडिंग स्पेस एजेंसीज बन चुकी है हमारे वर्ल्ड में। और जैसे ही हमारा स्पेस फ्लाइट मिशन आगे बढ़ता है और हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती ही जाएंगी। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 3 भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है। यह मूवी दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी ने मुख्य भूमिका निभाई है। पहले ही दिन से सिनेमाघरों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ हॉरर भी है, तो आइए देखते हैं इस मूवी का ट्रेलर और जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी ये मूवी। जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है, भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो अपने सेम फ्रेंचाइजी फॉर्मूले पे चलती है। अगर आपने भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 देख रखी है तो आपको भूल भुलैया 3 भी अच्छी लगेगी। सबने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो कार्तिक हो, तृप्ति हो, विद्या बालन जी हो, माधुरी जी हो। इस बार फिल्म में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो दर्शकों को फिल्म से बांधे रखते हैं। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। मूवी जो है वो ठीक ठाक है, एवरेज मूवी है। मूवी की स्टोरी वही पहले 2 मूवीज वाली है कि एक बहुत बड़ा बंगला या महल है, मंजुलिका है, भूत है, बाबा है, साथ में काफ़ी सारे साइड कैरेक्टर्स भी हैं। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, और तृप्ति डिमरी को मेनली एक आई कैंडी की तरह ही मूवी में लिया गया है। जो कॉमेडी है वो बहुत अच्छी नहीं है, कुछ कुछ जोक्स हैं जो अच्छे हैं जिन पर आप थोड़ा सा लॉफ कर सकते हो, बट कुछ जोक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसे हैं और जिनसे कोई बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही थी लोगों को थिएटर में भी। विद्या बालन की और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो उनसे एक्सपेक्टेड भी है। मूवी की जो पेसिंग है वो थोड़ी स्लो है, फर्स्ट हाफ ठीक है लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत सारे अननेसेसरी गाने हैं जिससे कि मूवी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो पहली 2 मूवीज़ के कंपैरेटिवली मुझे लगता है मूवी थोड़ी वीक है, लेकिन एक एवरेज वॉच है, आप देख सकते हैं फैमिली के साथ अगर आप चाहें। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? आई एम कमिंग फॉर यू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की ये कड़ी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। देखते रहिए डीडी राजस्थान।